हेलो चिल्ड्रेन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 8, इंटरनेट एज अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लीज टेक आउट योर बुक एंड लुक एट द पेज नंबर 112. फर्स्ट ईयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ दिस चैप्टर, लर्नर विल एबल टू एप्रिसिएट इंटरनेट एज अ पावरफुल टूल, कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट, लर्न to search internet and validate searched information, download the searched information. First we will see introduction. Internet has changed our life drastically. We all know that it can be used for various purposes. In this chapter we will learn how to connect to other computers through internet and how to search, validate and download information from the internet. Internet ने हमारी life को बहुत change कर दिया है. Even we can't imagine our life without internet. और इस chapter को पढ़ने के बाद हम internet के uses को जानेंगे और कैसे हम information को download करते हैं, कैसे internet को use करते हैं, we will learn. There is an activity, you can do this. We all know this is a popular game played around the world named as Chinese Whisper. इस game में जो game का नाम है वो है Chinese Whisper. In this game, we are passing the message from one child to another. In a similar way, messages are passed from one computer to another using internet. और इस game में हम message जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में pass कर रहे हैं. ठीक उसी तरह internet की help से हम message pass करते हैं one computer to another. Here only difference is that other computer can be located at any far off location. यहाँ पे difference ये है कि जो कंप्यूटर वो कहीं और भी लोकेटेड रह सकता है. इंटरनेट कैन बी डिफाइन एज यूज कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरनेट को हम कह सकते हैं यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं दुनिया में कहीं भी. इट इज अ ग्रेट प्लेस टू फाइंड इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल थ्रू different website. Internet एक बहुत बड़ा place है जहाँ पे हम information खोजते हैं with the help of different websites. Let's see what is a website. Website is a collection of related information stored in different pages. वेबसाइट एक तरह का इंफॉर्मेशन का संग्रह है जो स्टोर किया जाता है डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में. एवरी वेबसाइट हैज एड्रेस. वी कैन विजिट अ वेबसाइट बाय टाइपिंग दैट एड्रेस इन अ वेब ब्राउजर. फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब ब्राउजर यूज्ड फॉर विजिटिंग वेबसाइट. हम वेबसाइट को सर्च करने के लिए ब्राउज़र का यूज़ करते हैं. बहुत से ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, बहुत से हैं. बट गूगल क्रोम जो है मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र है जिसका हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को विजिट करने के लिए. यूजेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट कैन बी यूज्ड इन वेरियस वे, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो. लेट सी द यूजेज ऑफ इंटरनेट. फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. कम्युनिकेशन, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. वी डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी डू कॉल फॉर शॉपिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी डू शॉपिंग. हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट की परचेज और सेलिंग करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट. और इंटरनेट के हेल्प से हम लोग मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़ वगैरह सब सुनते हैं. इन एजुकेशन एंड विद द इंटरनेट हमें
किसी भी चीज़ की जानकारी इंटरनेट पे मिल जाती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एयरलाइन एंड रेलवे टिकटिंग। और इंटरनेट के हेल्प से हम लोग टिकट भी बुक करते हैं, एयरलाइंस के भी और रेलवे के भी। लेट्स सी, देयर इज एक्टिविटी, यू कैन डू दिस। लेट्स सी, कनेक्टिंग टू अदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। डोबू इज फीलिंग गिल्टी एज ही चीटेड टोबू इन रेसिंग कंपटीशन एंड डिफीटेड हिम। डोबू को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने टोबू को चीट किया और वो उसको हरा दिया। ही वॉन्ट टू अपोलाइज फॉर हिज बिहेवियर। वेन ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट टोबू, ही केम टू नो दैट टोबू हैज़ गॉन टू USA ओवर अ वेकेशन। अब उसे बुरा लग रहा था तो वो अपने फ्रेंड टोबू से माफ़ी मांगना चाहता था। जब उसने कॉन्टैक्ट किया तो उसे पता चला कि वो USA गया हुआ है छुट्टी मनाने। ही वॉन्ट टू कॉल टोबू बट हिज फादर टोल्ड हिम दैट मेकिंग एन इंटरनेशनल कॉल विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बिसाइड ही इज इन डिफरेंट टाइम जोन। तो उसके फादर ने बताया कि इंटरनेशनल कॉल करना बहुत महंगा है और वो जहाँ गया है वहाँ का टाइम और इंडिया के टाइम में बहुत अंतर है, हेंस ही कांट मेक अ कॉल, बट देर आर अदर वे थ्रू विच ही कैन कन्वे हिज मैसेज टू टोबू एंड दे आर क्वाइट चीप एज वेल। बहुत से तरीका है जिसके हेल्प से वो अपने मैसेज टोबू तक पहुँचा सकता है और वो बहुत सस्ते भी हैं। डोबू, फादर आई रियली वॉन्ट टू अपोलाइज, प्लीज हेल्प मी। उसने अपने फादर से हेल्प मांगा। फादर, सन यू डोंट वरी, इंटरनेट हैज चेंज द वे वी कॉम्युनिकेट। इंटरनेट ने हमारे कॉम्युनिकेशन के तरीका को बहुत बदल दिया है। नाउ वी कैन कॉम्युनिकेट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विथ अ पर्सन सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम लोग आज की डेट में तुरंत विद इन अ सेकेंड एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से कॉम्युनिकेट कर सकते हैं, वो दुनिया के किसी कोना में है। देर आर डिफरेंट वे थ्रू विच वी कैन कॉम्युनिकेट ऑन इंटरनेट डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। लेट्स सी द वेज, सम ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज ऑन इंटरनेट आर ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट्स। ये सारे तरीका है जिनके हेल्प से हम एक दूसरे से कॉम्युनिकेट कर सकते हैं। डोबू, व्हाट यू मीन बाय ईमेल? फादर, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल के हेल्प से हम मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज वेबसाइट फॉर ईमेल आर gmail.com, rediffmail.com, yahoo.com। इन सारे वेबसाइट पे हम अपने अगर ईमेल अकाउंट किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें, उसके ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए हमें उस वेबसाइट पे अपने ईमेल अकाउंट को क्रिएट करना होगा। बट फॉर सेंडिंग ईमेल यू आर सपोज टू क्रिएट योर ईमेल आईडी फॉर एनी ऑफ द वेबसाइट प्रोवाइडिंग ईमेल फैसिलिटी। कोई भी वेबसाइट जो हमें ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उनके लिए हमें अपना ईमेल आईडी बनाना होगा। डोबू, प्लीज क्रिएट माई ईमेल आईडी। डोबू ने बोला फादर को, प्लीज आप मेरा आईडी बना लीजिए। फादर, नो सन, आई कैन नॉट क्रिएट योर ईमेल आईडी। एज पर मोस्ट ऑफ द वेबसाइट, यूजर ऑफ द आईडी मस्ट have attended 13 years of age before an ID can be created. However, you may use my email ID under my guidance and supervision. तो फादर ने बोला कि मैं तुम्हारा ईमेल आईडी नहीं बना सकता क्योंकि ईमेल आईडी बनाने के लिए कम से कम तुम्हारा एज 13 ईयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तुम मेरे ईमेल आईडी को यूज़ करो मेरे गाइडेंस और सुपरविजन में। डोबू, थैंक्स फादर, नाउ प्लीज टेल मी अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग एंड एम आई अलाउड टू यूज दैट इंडिपेंडेंटली। डोबू ने अब फादर से पूछा कि इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, उसके बारे में मुझे बताइए।
फादर. इंस्टेंट मैसेजिंग इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन चैट. इंस्टेंट मैसेजिंग के हेल्प से हम एक दूसरे से ऑनलाइन चैट करते हैं. वन कैन सेंड मैसेज एंड रिसीव इमीडिएट रिस्पॉन्स. कोई भी तुरंत मैसेज भेज सकता है और तुरंत उसे रिस्पॉन्स भी मिल जाता है अपने मैसेज का. हाउएवर फॉर यूजिंग इट वी नीड अ स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन. और इसके लिए हमारे पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है. दोबू डैड इज़ योर मोबाइल अ स्मार्टफोन. दोबू ने अपने फादर से पूछा कि क्या आपका फ़ोन स्मार्टफोन है. फादर यस ऑफ कोर्स. हाउएवर आई नीड टू डाउनलोड एनी ऑफ द एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप बाइबर हेलो एसेट्रा फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग. और ये सारे ऐप्स हैं, इनमें से कोई भी हम डाउनलोड करके इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं. बेसिकली ऑल ऑफ यू यूजेस इंस्टेंट मैसेजिंग. मोस्ट फेमस इंस्टेंट मैसेजिंग नाउअडेज व्हाट्सएप. और ज़्यादातर लोग आज के डेट में व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं. इवन यू ऑल ऑल्सो. दोबू सिम्स इंटरेस्टिंग प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट. दोबू ने फादर से पूछा ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बारे में और बतलाइए. लेट्स सी हियर इज एन रिसर्च एक्टिविटी. यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी का नाम लिखना है अपने फादर के मदर का और वो किस ईमेल फैसिलिटी से है, गूगल से है याहू से है, उन सबों का नाम लिखना है. इफ पॉसिबल यू कैन डू. फादर इन एडिशन टू मैसेजिंग वी मेक एन ऑडियो कॉल टू यूजिंग दिस एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन का यूज करते हुए हम किसी को ऑडियो कॉल भी करते हैं. एज वी ऑल नो हम लोग व्हाट्सएप के हेल्प से ऑडियो और वीडियो कॉल भी करते हैं. दोबू सुपर द अदर डे यू विल यू वेरी टॉकिंग टू माई आंट एंड सी वॉज ऑल्सो विजिबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इज इट पॉसिबल टू सी फेस टू फेस पर्सन विथ होम वी आर टॉकिंग. दोबू ने अपने फादर से पूछा क्या ये पॉसिबल है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसे सामने से देखते हुए बात कर पाए. फादर दिस इज पॉसिबल इफ वी यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हाँ ये संभव है अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं. दोबू ने फिर पूछा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है. फादर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन अमंग पीपल सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन सच एज डिफरेंट सिटीज कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इंटरनेट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरह का फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, यानी हम एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं किसी से भी, वो दुनिया के किसी भी कोना में है अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो. दोबू हाउ कैन वी यूज इट. तो दोबू ने पूछा हम इसे यूज कैसे करें. फादर वी कैन यूज इट बाय डाउनलोडिंग एप्लीकेशन लाइक स्काइप फेस टाइम एक्सेट्रा ऑन अ स्मार्टफोन कंप्यूटर एंड इवन ऑन स्मार्ट टीवी. इन सारे एप्लीकेशन को हम पहले डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में कंप्यूटर में और स्मार्ट टीवी में, तब इसे हम यूज़ कर सकते हैं. दोबू ओ वाओ दिस इज़ अमेजिंग. फादर यू कैन इवन शेयर योर मैसेज विथ योर फ्रेंड यूजिंग सोशल नेटवर्किंग. तुम अपने मैसेज को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट से. दोबू व्हाट काइंड ऑफ साइट्स आर दे. फादर दे आर द वेबसाइट वेयर पीपल मे कनेक्ट टू देयर फ्रेंड्स रिलेटिव ऑनलाइन एंड शेयर देयर आइडियाज इंफॉर्मेशन इमेज पिक्चर्स इवेंट्स एक्टिविटी एक्सेट्रा. ये वैसे वेबसाइट हैं जिससे हम अपने दोस्तों से अपने फैमिली मेम्बर से जुड़े रहते हैं और हम अपने एक्सपीरियंस हम अपने आइडिया अपने इंफॉर्मेशन इवन पिक्चर मैसेजेस हमारे एक्टिविटी हम आज कहाँ घूमने गए हम आज क्या खेल रहे इवन व्हाट वी आर ईटिंग हम शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से. सम एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर फेसबुक और ट्विटर. ये बहुत
कॉमनली यूज्ड है नाउ इवन इंस्टाग्राम आल्सो. डोबू, कैन आई क्रिएट माय अकाउंट ऑन इट? डोबू ने फिर पूछा कि क्या मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ. फादर, नो, एज दीज साइट्स रिक्वायर्ड एवरी पर्सन टू बी एटलीस्ट 13 ईयर ओल्ड बिफोर दे कैन क्रिएट एन अकाउंट. यू नीड टू ग्रो अप फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स. तो फादर ने बोला नहीं, यहाँ भी कम से कम तुम्हें 13 साल के होना ज़रूरी है बिफोर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स. दोबू, वाई कांट आई यूज़ दिस साइट्स? इज इट नॉट सेफ? मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्या ये सेफ नहीं है? फादर, यस इट इज़ नॉट सेफ. इवन ग्रोन अप शुड बी कीप फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड वेन यूजिंग दिस साइट्स. हाँ, ये सेफ नहीं है. जो बड़े हैं उन्हें भी इन साइट्स को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो वी विल हैव प्रॉब्लम. लेट्स सी. डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. हमें कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए. डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. कभी भी अनजान व्यक्ति से हमें बात नहीं करना चाहिए जिन्हें हम जानते ना हो. Add only known person to your friend list. और हमेशा उन लोगों को अपने friend list में add करना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं. Share your picture carefully and share them with your friends only. हमें अपने pictures को बहुत ध्यान से अपने दोस्तों से ही share करने चाहिए. दोबू, thank you for sharing such wonderful information. I will further share all this information with my friends and Tobu. मैं ये सारे information अपने friends और Tobu से share करूँगा. Then there is activity. Then we can see the next topic is searching internet. Father, Tobu, were you able to contact your friend in USA? Dobu, yes father, the information you have given to me is of great help. Father ने पूछा कि Dobu, तुम अपने दोस्त से contact करना चाहते थे? तो Dobu ने बोला, आपने जो information दिया वो बहुत helpful था. Father, your friend has gone to which city of USA? तो father ने पूछा, तुम्हारा friend किस सिटी में यूएसए? तो दबू हैज रिप्लाई, शिकागो. फादर, इज इट सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट? दबू, आई रियली डोंट नो. हाउएवर आई विश टू फाइंड आउट. प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द सेम. तो दबू ने बोला कि मुझे नहीं पता कि वो सिटी कहाँ है. फादर, डू यू नो यूएसए इज अ वेरी लार्ज कंट्री? इट इज अबाउट 3 times लार्जर इन एरिया देन इंडिया. USA बहुत लार्ज कंट्री है और वो इंडिया से 3 गुना बड़ा है. कम, लेट सर्च मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट USA विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन. चलो हम लोग USA के बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन. दो इंजन विच इज यूज इन ट्रेन? फादर, नो at all my dear, it is an engine used for searching information on internet. Father ने बोला, नहीं, ये ऐसा इंजन है जिनका हम यूज करते हैं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. सर्च इंजन इज अ वेबसाइट यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट बेस्ड ऑन द कीवर्ड इंटर्न. सर्च इंजन एक तरह का वेबसाइट है जिनके हेल्प से हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. दोबू, वाट इज कीवर्ड्स? फादर, द वर्ड टाइप्ड बाय द यूजर इन ऑर्डर टू सर्च द इंफॉर्मेशन आर नोन एज कीवर्ड्स. कीवर्ड्स वैसे वर्ड्स हैं जो यूजर टाइप करता है अपने इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए. दोबू, वाट विल हैपन आफ्टर इंटरिंग द रिक्वायर्ड कीवर्ड? फादर, एज अ रिजल्ट ऑफ कीवर्ड सर्च यू विल शो अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट कंटेनिंग द टर्म You are looking for. अगर हम कीवर्ड डालेंगे तो हमें वेबसाइट का लिस्ट मिलेगा जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं.
Here is an activity. In that activity, you have to perform the following steps on your computer. Open Internet Explorer. Internet Explorer को open करना है. फिर आप लोग को type करना है www.google.com. And then आपको जो search करना है, हम उस पर click वो type करेंगे. उसके बाद हम Google search पे click करेंगे. Then we can see, for example, to collect information about the famous story character Gulliver from the story given in your English textbook. यहाँ हम लोगों ने सर्च किया गुलिवर के बारे में जो स्टोरी हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. In the land of Lilliput, type the word Gulliver in the Lilliput story in the Google text box. जब उसने टाइप किया और सर्च किया तो ऑन क्लिकिंग द गूगल सर्च बटन यू विल गेट द फॉलोइंग रिजल्ट. जब हम गूगल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइप का रिजल्ट हमें दिखेगा. वी कैन सी अबाउट द रिजल्ट, सो मेनी रिजल्ट विद इन अ सेकेंड. द फ्रेज इज हाईलाइटेड इन ब्लू कलर कैन बी क्लिक टू विजिट द पर्टिकुलर साइट्स. और जो भी ये ब्लू कलर हमें दिख रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट जो है वो ओपन हो जाएगा. इन्हें हम हाइपरलिंक ऑफ वेबसाइट बोलते हैं. मोस्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप. और सबसे एप्रोप्रिएट रिजल्ट सबसे टॉप पे होता है. यू कैन सी द एक्चुअल वेब एड्रेस इन द ग्रीन टेक्स्ट. और एक्चुअल वेब एड्रेस हम देख सकते हैं, हमें ग्रीन टेक्स्ट में दिख रहे हैं. डोंट फॉरगेट टू नोटिस द रिजल्ट. ये हम रिजल्ट देख सकते हैं कितने सेकेंड में, विद इन अ सेकेंड. गूगल हैज सर्च द रिजल्ट. इट कुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू गो थ्रू 112,000 सर्च रिजल्ट. देयरफॉर वन हैज टू लर्न वे टू रिड्यूस द अमाउंट और नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट डज ऑब्टेन. This is possible by using more precise or exact keyword while searching. हम इस result को कम कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा जो भी सर्च करें वो हम अगर actually Google में डाल के सर्च करें तो हमें ज़्यादा accurate और ज़्यादा सही और सटीक result मिलेगा. To continue viewing the search result page, scroll the bottom of the Google web page, thus obtained. Till you see, और हम क्लिक करते जाएंगे तो हमें बहुत से पेजेस दिखेंगे और हम उस पर क्लिक करके रिजल्ट को देख सकते हैं. क्लिक ऑन द नंबर 2 और द ब्लू एरो टू द राइट टू कंटिन्यू थ्रू द सर्च रिजल्ट. देन देयर इज हैंड्स ऑन. इन दैट यू हैव टू सर्च द इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक.